अस्सलामुअलैकुम। आज का एपिसोड जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही मुनफरिद सीरीज़ है मेरी हाईवेज एंड मोटरवेज, और उसमें मैं कवर करने जा रहा हूँ अपना डेरा इस्माइल खान मोटरवे, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे और बहुत ज़्यादा मुझे कहा गया था कि फाइनल में भी कर लो। इस सड़क ने 2018 में बेसिकली बनना था, इसका पता 2018 में था, लेकिन 3 साल ये लेट हुई, लेकिन फाइनली 5 जनवरी 2022 को इसका इफ्तिताह हो गया। इंशाल्लाह चल के देखते हैं इस सड़क का निज़ाम कैसा है। वैसे अभी ये 4 लेन सड़क है, 292 किलोमीटर सड़क है, और ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ को मिलाती है डेरा इस्माइल खान और KPK के साउथ पार्ट से। तो चल के देखते हैं यहाँ पे कौन से सर्विस एरिया है, यहाँ पे पेट्रोल पंप्स हैं कि नहीं, कोई खाने के लिए निज़ाम मौजूद है। वैसे तो भी नया नया बना है, अभी मेरा नहीं ख्याल कुछ होगा, इसलिए मैंने अपनी टैंकी फुल करवा दिया है। पिछले साल मैंने एक एपिसोड अपलोड किया सवात एक्सप्रेसवे का, वो माशाल्लाह आप लोगों ने काफ़ी उसको पसंद किया, लेकिन मुझे उसके नीचे कमेंट आया कि एक पठान भाई का कि भाई आप हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे पे भी व्लॉग बनाओ। तो मैं बड़ा चौंका, मैंने कहा भाई वो मोटरवे बन गई है, तो मुझे आगे से रिप्लाई आया नहीं भाई बना तो अभी नहीं है। तो माशाल्लाह इतने स्वीट होते हैं हमारे पठान भाई, तो लेकिन आज लेकिन ये बन गई है और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना सफ़र, मेरे साथ रहिएगा। हकला डेरा खान मोटरवे की लंबाई की बात करें तो इसकी लेंथ तकरीबन 285 किलोमीटर बनती है। ये मोटरवे 4 लेन है, जबकि मुस्तकबिल की ज़रूरत को देखते हुए 100 मीटर का एरिया सड़क के दोनों तरफ में रिज़र्व रखा गया है। इस पर कुल 11 इंटरचेंजेस बनाए गए हैं। पिंडी खेप, तराप, मियांवाली और दाऊदखेल जैसे बड़े शहर इस मोटरवे से फ़ायदा उठा सकेंगे, जबकि इसके ज़रिए लकी मरवत भी जाया जा सकता है। हकला से डीआई खान सफ़र करते हुए आप थल केनाल, जबकि दरियाओं की बात करें तो दरिया सिंध और दरिया कुर्रम को क्रॉस करते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे दरिया भी आपके सफ़र में शामिल हैं। माशाल्लाह बेहतरीन सड़क लग रही है। शुरू में आने वाले माइलस्टोन्स पर किलोमीटर्स अभी नहीं लिखे गए। मैंने कंस्ट्रक्शन वर्कर से पूछा है तो उन्होंने बताया कि 3 से 4 दिन में ये सारे मुकम्मल हो जाएंगे। अभी 50% माइलस्टोन्स पर फासले की डिटेल लिखी जा चुकी हैं। M1 से M14 पर सफ़र शुरू करने के बाद 4 से 5 किलोमीटर बाद टोल प्लाजा आ जाता है। यहाँ अभी M-Tag की सहूलत मौजूद नहीं। ड्रोन से सड़क का नज़ारा दिल फरेब है। सड़क ऊंचे नीचे मैदानों में से बल खाती हुई गुजर रही है। हकला डेरा खान मोटरवे की पहली इंटरचेंज फतेह जंग की आती है, जबकि तलागंग भी इसी इंटरचेंज से जाया जा सकता है। अभी हम फतेह जंग और पिंडी खेप के दरमियानी इलाके में से गुजर रहे हैं। इस इलाके में सरसों काफ़ी बड़े पैमाने पर काश्त की गई है, लिहाजा ड्रोन उड़ाया जाएगा। कुछ जगहों पर पहाड़ी टीलों को काट कर सड़क गुजारी गई है और यहाँ फेंसिंग और शोल्डर्स का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्शन जारी है।
दूसरी और तीसरी इंटरचेंज के इस्तेमाल से आप पिंडी गेप और जंट जा सकते हैं, जबकि कोहाट जाने वाले भी तीसरी इंटरचेंज से एग्जिट लेंगे। कोहाट पिंडी गेप इंटरचेंज के बाद तराप शहर को जाने वाली इंटरचेंज आती है। तराप एक यूनियन काउंसिल का दर्जा रखने वाला इलाका है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जिला अटक में शामिल है। आप जब भी किसी मोटरवे पे या हाईवे पे सफर करते हैं तो आपको एमरजेंसी नंबर दिया जाता है 130 पे आप कॉल करते हैं, खुदा ना खास अगर आपको एमरजेंसी हो जाए तो। लेकिन अक्सर लोग ये हैं कि 130 पे कॉल करके बता देते हैं कि जी हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है या कोई एमरजेंसी हो गई है। तो उसके लिए ज़रूरी ये चीज़ है कि ये जो 7 नंबर दिया गया ना 127 WR, ये लोकेशन होती है जिसे वो लोकेट करते हैं। आप जब भी कॉल करें तो आपने साथ इसका टैग भी बताना होता है कि मैं 127 के करीब खड़ा हूँ या 127 में से कितनी दूर है। जब भी आप कॉल करें तो आपने ये नंबर लाजमी बताना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इस मोटरवे पे फैसिलिटेशन है और पूरी गाइडलाइन दी गई है ड्राइविंग की भी, और सहूलतें मज़ीद दी भी जा रही हैं। साइड लाइन पर काफ़ी काम भी चल रहा है और काफ़ी साइन बोर्ड्स हैं, कुछ लिखे जा रहे हैं और कुछ अभी सिर्फ नस्ब किए जा रहे हैं। तो अभी हमने सिर्फ 3 से 4 शायद इंटरचेंजेस क्रॉस किए हैं, फतेहजंग, तला गंग वाली, दूसरी पिंडी घेप और कोहाट वाली, और अभी हमने तराप वाली की है। अभी कालाबाग वाली इंटरचेंज आने वाली है और मैं पूछूंगा जाके कि अगर वहाँ से चश्मा बैराज करीब हुआ तो शायद हम उस तरफ भी निकल जाएँ। लेकिन हमारा अभी जो सफ़र है वो M14 हकला डी ए खान पर जा रही है। मेरे साथ रहिएगा। दरियाए सवान गुजरे और तकरीबन 130 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय कर लिया है। अक्सर लोग जो मुझे कह रहे थे कि भाई हकला डी ए खान मोटरवे पे आप एपिसोड कर दें, वो मैं फ़ौरन से नहीं करना चाह रहा था क्योंकि काफ़ी चीज़ें मिसिंग होती हैं जब इफ्तिताह होता है ना। तो अभी महीना नहीं हुआ और काफ़ी जो है इसमें अभी किलोमीटर की जैसे मैं बात करूँ तो किलोमीटर नहीं लिखे गए। तो जो आपकी हेल्पलाइन नंबर होता है उसके ऊपर लोकेशन लिखी होती है, लोकेशन नंबर से मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि मैंने कितने किलोमीटर सफ़र कर लिया है। तो दरियाए सवां गुजरे और लैंडस्केप बदल गया है, अब प्लेन एरिया आ गया है और जो आपकी विजिबिलिटी है वो भी बढ़ गई है, पहाड़ी इलाके ख़त्म हो गए हैं फिलहाल। M14 पर सफ़र करते हुए पहली नहर थल केनाल आती है, जो ग्रेटर थल केनाल का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के फेज़ 1 में 3,55,000 एकड़ रकबे को ज़ेरे काश्त किया गया था। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए थल के वीरान इलाके को काबिले काश्त बनाया गया था और फेज़ 1 में 3,55,000 एकड़ रकबे को ज़ेरे काश्त किया गया था, जिससे तकरीबन 7 लाख से ज़ायद लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ा है। मौजूदा हुकूमत ने इस मंसूबे के फेज़ 2 की भी मंजूरी दे दी है, जिसके ज़रिए 2,94,000 एकड़ रकबे को काबिले काश्त बनाया जाएगा। तराप के बाद आने वाले माइलस्टोन्स पर किलोमीटर्स की मालूमात मिलने लगी तो कुछ ज़हनी सुकून हुआ। थल केनाल के तकरीबन 20 किलोमीटर बाद मियांवाली कालाबाग इंटरचेंज आती है। मेरे ख्याल से ये इंटरचेंज इस मोटरवे की सबसे अहम इंटरचेंज है, क्योंकि मियांवाली, कालाबाग और चश्मा जैसे इलाके इससे लिंक करते हैं।
जबकि आप खुशाब और सरगोधा भी यहाँ से जा सकते हैं। दाऊदखेल इंटरचेंज के बाद सर्विस एरिया का एक बोर्ड नज़र आता है, लेकिन अभी इसकी तमीर शुरू हुई है, लिहाजा पेट्रोल और दूसरी ज़रूरी अशिया का निज़ाम करके रखें। दाऊदखेल इंटरचेंज के कुछ देर बाद दरिया सिंध आ जाता है। पाकिस्तान में यह दरिया स्कर्दू रीजन से पाकिस्तान में एंटर होता है। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े दरिया इसमें गिरते हैं। इस पर कई डैम और बैराज बनाए गए हैं जो पाकिस्तान की ज़राअत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। वैसे आजकल सर्दी का मौसम है, इसलिए दरिया में पानी थोड़ा कम नज़र आ रहा है। दाऊदखेल के बाद ईसा खेल की इंटरचेंज से भी मियांवाली जाया जा सकता है और सीधे हाथ जाने वाली सड़क से आप लक्की मरवत जा सकते हैं, जबकि चश्मा जाने के लिए भी मियांवाली जाने वाली सड़क पर ही सफ़र करना पड़ेगा। ईसा खेल के बाद अब्दुल खेल की इंटरचेंज आती है। मैं यहाँ से उतरकर पेट्रोल फुल करवाऊँगा, क्योंकि मुझे आखिरी इंटरचेंज से फिर से वापसी का सफ़र करना है।
ये सड़क यारिक तक बनी है। यारिक से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर डेरा इस्माइल खान अभी है और उसकी अभी तमीर जारी है, वो भी एक साल तक कह रहे हैं बन जाएगी। टोटल 440 रुपये मैंने टोल टैक्स पे किया है और बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत सड़क बनाई गई है। अब हमने इसका ख्याल रखना है, खासतौर पर ट्रक ड्राइवर हजरात ने बहुत लोड लेके नहीं चढ़ना, सड़क ख़राब हो जाती है यार। और कहा जा रहा है कि इसी साल में ये सड़क डेरा इस्माइल खान तक भी मुकम्मल कर दी जाएगी। मेरा ये सफ़र आपको कैसा लगा? मुझे बड़ा मज़ा आया और इसमें लैंडस्केप बड़े डिफरेंट मिले। हाँ, दरिया लेकिन उस तरह से नहीं आते, बहुत ज़्यादा दरिया नहीं आते, नहरें नहीं आती, सिर्फ एक थल के नाल आई है और दरिया सिंध आया है। इसके अलावा दरिया सवान और एक और दरिया था दरिया कुरम, उनमें लेकिन पानी पुनी कोई नहीं था। तो खैर, आजकल तो मौसम भी नहीं है पानी का, इसको छोड़ें। मेरा ये सफ़र कैसा लगा मुझे बताइएगा। ये जो मैंने 270-280 किलोमीटर का सफ़र किया है, ये मेरा बेसिकली अब बनने जा रहा है 500 किलोमीटर सफ़र, क्योंकि मुझे आगे कोई काम नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ। लिहाजा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, स्टार एंड दैट्स ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हकला डी ए खान मोटरवे का ये सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अगर आप पाकिस्तानी हाईवेज़ की ड्रोन फुटेज देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सड़कों में शामिल नरान बाबूसर रोड का सफ़र देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिपन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।